ठीक है, अब रीवैल्यूएशन वाले सुने। रीवैल्यूएशन के फॉर्म जो हैं, पूरी उम्मीद है कि 3 दिन में आ जाएंगे, मतलब आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे के बीच में आ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा अगर डिले होगा तो मैक्सिमम 1 वीक उसमें आप लोगों का शुरू हो जाएगा। फाइल बोर्ड से चली गई है और उसके बाद आप लोगों का रिवॉल्यूशन फॉर्म आ जाएगा। कम से कम 10-15 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को फॉर्म भरने का। तो बस यही जानकारी देनी थी कि रिवॉल्यूशन के फॉर्म जो हैं मेरी उम्मीद से 3 दिन में आ जाएंगे, और जो अगर मानिए 3 दिन से डिले होता तो मैक्सिमम 1 वीक आपका शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने शुरू में क्लिप देखा, जावेद मुस्तफा जी ने क्या बोला है कि आपके नीचे के स्क्रूटनी के फॉर्म है वो 3 से 4 दिन या फिर 1 वीक जा सकता है, और जो भी जावेद सर कहते हैं वो 100% सही होता है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपने देखा होगा जैसा उन्होंने बोला था, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट अपलोड किया गया था जैसा कि आपने देखा। अब देखो, अगर आपका MW है तो वो भी सर ने बताया है, वो भी आपको दिखा जाएगा वीडियो में। कॉलेज से लेटर वगैरह भेजा जाता है, अगर आप फेल हो गए वो सारी चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, ठीक है। पहली बार आया तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन ग्रुप, PDF, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें पाने के लिए। अब देखो, अगर आपका MW है, मार्क्स वेटिंग है, कॉलेज से एक लेटर भिजवा दो, आपका ठीक हो जाएगा। डबल है, कॉलेज से लेटर जाता है, ये 15 दिन के अंदर आपका ठीक हो जाता है। फेल है, आप लोग बैग लग गई है, नीचे की स्क्रूटनी को फॉर्म फिल करना है, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट तरीका है अपने नंबर को दोबारा पाने का। ऑफिशियली अपडेट जैसी नोटिस जारी होगा कि कब से फॉर्म फिल करे जाएंगे, जावेद सर बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन में आपका फॉर्म आ जाएगा, नोटिस वगैरह बोर्ड से लिस्ट भेज दी गई है, और जैसी सारी चीज़ें आएंगी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि जावेद सर ने पहले तो ये बताऊं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद भी उनकी एब्सेंट लग गई है या फिर MW आ रहा है, तो MW क्यों आता है वो आप लोग समझ लीजिए। या तो आप लोगों ने रोल नंबर की जगह पे एनरोलमेंट नंबर, मतलब कुछ रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर लिखने में आप लोगों ने गलती की है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने कॉलेज में जाना होगा, ये चीज़ आपको बतानी होगी। कॉलेज वाले एक पत्र लेटर लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे आपके एनरोलमेंट नंबर से बोर्ड से, उसके बाद बोर्ड आप लोगों का परीक्षा समिति की बैठक होगी तो उसमें MW वालों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, जो डबल ए वाले एब्सेंट वाले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और एब्सेंट लग गई, तो उसके लिए भी आप लोगों को कॉलेज में आप लोगों को अपने कहना पड़ेगा। कॉलेज वाले डेटा जो है आपका अटेंडेंस डेटा, वो जिस दिन एग्ज़ाम था वो बोर्ड को भेजेंगे, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भेजेंगे, फिर वही परीक्षा की समिति में रखा जाएगा, और उसके बाद आपका डबल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनका क्लियर हो जाएगा।